मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, उस बिजली के इस्तेमाल को लेकर आईटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ ने एक आईटीआई दाखिल की थी, जिसमें उन्हें जवाब मिला 2016 में जो मीटर के लिए अप्लाई की गई थी उसी के आधार पर 2019 में मीटर के लिए भी अप्लाई की गई राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में। इसमें मोहम्मद यूसुफ का क्या कहना है, हम उनसे खुद जानते हैं उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन पर। मैंने मित्तल ग्राउंड में जो फेरी वालों का जो एक मार्केट बसी है, गुलापार मार्केट जिसे बोला जाता है, उधर तकरीबन 600 फेरी वाले उधर बसे हुए हैं और वो राजीव गांधी जो हॉकर यूनियन है उसके सभी मेंबर है हॉकर्स। तो उधर जो लाइट जलती थी उसके लिए मैंने सोचा कि एक आरटीआई डालूं कि इन्होंने मीटर के लिए परमिशन लिया कि नहीं। तो मैं उस तालुक से मुमरा डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके बाद मैंने एक आरटीआई दाखिल किया 8/4/2019 को। उसमें मैंने ये पूछा कि मित्तल ग्राउंड में जो हॉकर लोगों को जो जगह दी गई है वो जगह पे कितने हॉकर लोगों को आपने मीटर लगा के दिए, उनकी मुझे जानकारी दे दो नाम के साथ में। और वो जगह जब हॉकर ने जब एप्लीकेशन दिया रहेगा ये मीटर लेने के लिए, तो वो एप्लीकेशन के साथ में उन्होंने जो जगह का प्रूफ जोड़ा रहेगा उसका एक कॉपी दे दो, और अभी तक आपने कितना बिल वसूला है वो मुझे दे दो। मैंने आरटीआई दाखिल करने के बाद में मुझे दो दिन के बाद में उधर पे हरिदास मोरे करके क्लर्क है उनका फ़ोन आता है, बोले सर आपकी माहिती तैयार है, आप माहिती लेके जाइए। जब मैं माहिती लेने जाता हूँ उधर पे तो देखता हूँ, देखने के बाद में मैं एकदम चौंक जाता हूँ कि 600 हॉकर्स वाले बड़े बड़े हॉरिजन वापर रहे, कम से कम 10 से 15 गन्ने की जूस की मशीन है और ऐसे कई तरह की चीज़ें जो इलीगली चल रही है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कोई शख्स है उधर पे कि उधर 500 रुपये लेता है लाइट का, और जबकि मीटर लगा ही नहीं तो 500 रुपये किसके पास जाता है। इसकी जांच के लिए मैंने एक आरटीआई और दाखिल किया 12 तारीख को कि अगर आपने मीटर नहीं दिया है अभी तक तो वो इलीगल जो चल रही है लाइट, 600 लोग जो वापर रहे लाइट है, फोकस है, ये है बल्ब चल रहा है, तो उनके खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, एमएससी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, उसकी एक जानकारी मांगा हूँ मैं। अब मुझे यहाँ तक पता चला है कि उधर पे नेता लोगों के चमचे लोगों ने भी उधर पे हॉकर्स लोगों को जगह दे के लाइट दी गई चोरी की, तो हमारा एमएससी भी प्रशासन सो रहा है क्या इनकी मिली भगत है कुछ। मेरे को जो उन्होंने आरटीआई में जो जवाब दिया है और जो पेपर दिया हुआ है उससे तो ये साबित हो रहा है कि 2016 में उन्होंने मांग करी थी, 7 अप्रैल 2016 को मांग की थी, जिसका उन्होंने पैसा भी भरा हुआ 30,250 रुपया, और ये टेम्पररी के लिए। तो टेम्पररी का मतलब क्या, 3 साल टेम्पररी का मतलब क्या होता है मुझे वो जानना है अधिकारियों से। और एक राजीव गांधी यूनियन हॉकर ने एक लेटर भी दिया जिसके ऊपर कोई तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं है ना, एमईसीबी का ठप्पा है, रिसीव कॉपी कुछ नहीं, मगर ये लेटर मुझे एमईसीबी की तरफ से मिलता है, तो एमईसीबी ने इसे इन्वर्ट करके क्यों नहीं लिया। ठीक है, अगर इसके ऊपर तुमको मीटर चाहिए था तो तुमने 7 मार्च 2019 को ये फॉर्म क्यों भरा, फिर आपने ये फॉर्म भर के मीटर की आपने मांग क्यों किया, जब आपने 2016 को ऑलरेडी पैसा भरा है ना, तो वापस क्यों फॉर्म भरा आपने, है ना। और उसके बाद में फिर ये जब उनको मालूम पड़ा कोई आरटीआई डालने वाला है, तो इन लोगों ने 12 मार्च को एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेटर दिया ये मुमरा वालों ने कि हमको इनको सेंक्शन दे दो, हमको इनको 3 पेज मीटर देना है, और बाद में रिमाइंडर भी देते हैं वो लोग कि हमको दे दो। रिमाइंडर देने के बाद में भी अगर उधर से मीटर नहीं आया तो ये इलीगली चोरी की लाइट कौन दे रहा है और उसका पैसा कौन ले रहा है, इसकी हाई प्रोफाइल जांच होनी चाहिए। ये सब जांच का विषय है और इसकी मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, जब जाके निकल के आएगा बाहर कि आपने टेम्पररी, जब टेम्पररी का पैसा भरते हो 30,250 रुपया, तो टेम्पररी क्या 3-4 साल चलता है क्या, टेम्पररी का मतलब होता है 1-2 महीना 3 महीना, और इनको मीटर लेने के लिए जगह मित्तल वालों की है, मित्तल वाले का फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर क्यों नहीं लिया आपने मांगा, या तो एफिड क्यों नहीं लिया। हम जब मांगने जाते तो हमको बड़ा पंचनामा बताते इन लोग, जगह किसकी है, जगह का पेपर लेके आओ, नहीं पेपर है तो एफिड दे दो, इनसे एफिड क्यों नहीं मांगा इन्होंने, आपको टेम्पर भी देना है तो आपको एफिड देना पड़ता है। ऐसे कोई बोला कि मेरे को दे दो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, रूल नहीं है ना, कायदा नहीं है, एमईसीबी का कायदा है कि अगर आपको टेम्पररी मांगता है। ये तो नेता उधर के अपना जो यूनियन के लोग है और अधिकारी के प्रशासन के मिली भगत के बिना आप पंख नहीं मार सकते हो, ये अधिकारी की मिली भगत है,
जो अधिकारी कंसर्न अधिकारी है जिसने अभी तक मीटर नहीं दिया और जो विजिलेंस स्क्वाड इनके पास रहता है, विजिलेंस फ्लाइंग स्क्वाड जिसको बोलते हैं, वो अधिकारी क्या अंधे हैं क्या, वो पगार नहीं ले रहे हैं क्या? उन्होंने इस पर अभी तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? 600 फेरी वाले उसको वापर कर रहे लाइट का, और बड़ी बड़ी मोटरें चल रही गन्ने की जूस की दुकान क्यों नहीं कर रहे इन लोग? हाँ, इन लोगों के वजह से आज आम जनता त्रस्त है। चोरी की लाइट देने वालों और अधिकारियों की वजह से आम जनता त्रस्त होने की वजह से आज देखिए, आपने भी देखा रहेगा, ये हफ्ते में कम से कम 12 घंटा लाइट नहीं थी, लोग सो नहीं पा रहे थे। इन्हीं कारणों की वजह से इन लोग इलीगल फोकस चला रहे, मीटर चला रहे, तो उसका लोड आम जनता के ऊपर आ रहा है। कमाने वाले कमा के निकल जा रहा है, आम जनता भर रही है। इस समय मौजूद है हम राजू गांधी हॉकर्स यूनियन में, जो गुलाब पार्क मार्केट लगाई गई है मित्तल ग्राउंड के पास, वहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, उस बिजली के बारे में अब बात सामने आ रही कि जो बिजली यहां हॉकर्स इस्तेमाल कर रहे थे वो बिजली इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यहां पर जो है 6 से 8 जो है गन्ने की मशीन भी चलाई जा रही थी। और जो इस राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के जो लीडर हैं इरशाद भाई, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इरशाद भाई, आप राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर हैं, तो जो यहां पर बिजली बताई जा रही है वो बिजली क्या चोरी की इस्तेमाल हो रही है? ऐसा आप पर आरोप लग रहा है कि बिजली आप चोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको MSB की तरफ से कोई मीटर नहीं दिया गया है। हमने 2016 में जब यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हुई थी, तो उस टाइम पे हमने MSEB को लिखित में मीटर की मांगने किए थे, तो हम हमारा मीटर पास भी हो चुका था, हमने पैसा भी भर दिया था वहाँ पे। इनकेस कैसा हुआ, 2016 में रमज़ान का महीना था, सटे हुए 20 से 25 दिन के बाद ही रमज़ान था, वो हिसाब से मार्केट यहाँ पे सटअप हो नहीं पाई, फिर मार्केट वहाँ पे चले गई। तो वो हम लोगों ने जो MSEB में पैसा भरे हुए थे ना, उसको हम लोगों ने रिपीट नहीं ली। कितना पैसा आप भरे हुए थे? 30,250 रुपया। आप भरे थे पैसा? ये हमने मई में भरे थे 2016 में, ठीक है। तो वो पैसा हमने ना वहाँ पर से उठाया नहीं, वो डिपॉजिट हमारा वहाँ पे अभी भी पड़ा ही हुआ है। तो फिर हमने यहाँ पे अभी 19 में जब यहाँ पे हमने आए ना, उसी लिए आधार पे हम लोगों ने फिर एक एप्लीकेशन दिए MSEB को कि हमारे को जो पुराना मीटर हमने आपके पास से इशू कराए थे वो हमारे को फिर से इशू किया जाए। तो उन्होंने यानी पहले तो मना किए, फिर बाद में उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, भाई हम लोग हॉकर्स लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन MSEB ने उस लेटर पे आपको मीटर इशू कैसे किया, क्योंकि वो 2016 में आपका आप 2019 चल रहा है, तो करीब 3 साल का फर्क आ रहा है उसमें, तो कैसे उस लेटर पे आपको मीटर देने की बात की? मसला सर ऐसा है कि वो जो पैसे थे ना, हमने जो भरे थे ना, वो हमने रिफंड नहीं लिए थे, पैसा MSEB के पास ही पड़ा हुआ था। वो जो डिपॉजिट हमने किया था ना, वो हमने वापस लिए नहीं थे। अगर वापस ले लिए होते ना, तो MSEB हमको दोबारा थोड़ी देती थी। यहाँ मित्तल में आने के बाद अभी हम लोगों ने इस महीने से जस्ट अभी ये 5 तारीख से हम लोगों ने 500 रुपये महीना एक बल्ब का हम लोगों ने चार्ज इशू किए हैं। वो भी क्यों, अभी जो मीटर हमारा जो आएगा उसके अंदर जो बिल आएगा, वो बिल भरने के बाद और उसका कितना बिल आता है वो अगर कम आएगा तो इनका पैसा हम वापस भी देंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो हम इनसे पैसा कुछ बढ़ा के लेने की भी बात की, हमने मीटिंग की। इरशाद भाई एक बात ये बताइए कि जो यहाँ पर मीटर की बात आ रही है कि मीटर अभी नहीं लगा हुआ है, बिजली इलीगल तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये MSEB की तरफ से आपको मीटर नहीं दिया गया है, या क्या है ये पूरा मामला? मीटर नहीं दिया गया, मीटर उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैं कल भी गया था और आज भी गया था, और इससे पहले भी हम लोगों ने गए थे, हमने 2016 में मांगने किए थे, 2016 में हमने पैसा भरे मीटर का, मगर मार्केट कुछ डिस्प्यूज होने की वजह से 2016 में यहाँ पे आके फिर चली गई। वो पैसा हमारा MSEB में ऑलरेडी डिपॉजिट 2016 से है, 2016 मई में चौथे महीने में, यानी वहाँ पे हमारा पैसा पड़ा हुआ है, और फिर मार्केट यहाँ पे 19 में आई है, करीबन अप्रैल में आई मार्केट यहाँ पे। उस आधार पे हमने उनको बोले जो हमने आपके पास पैसा डिपॉजिट किए थे ना, वो डिपॉजिट हमारा अभी कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें जो भी हम लोग नया मीटर ले है ना अप्लाई किए ना, वो जो हमारा पैसा पेंडिंग अपने पास पैसा है ना, वो पैसा हमारा अभी के उसमें डाल दीजिए, और बाकी जो होता है हम डिपॉजिट करने को तैयार हैं। हम गैर कानूनी कोई काम करना नहीं चाहते, और हमारी लड़ाई इसी की बात की है कि गैर कानूनी कोई काम ना हो। इससे पहले भी आपने हमारे से इंटरव्यू लिए थे, ये देखिए, ये दिखा उसको, ये
कल मैं जाके MECB में से लेके आया लेटर भारत गेट से और ला के यहाँ महकमे में जमा किया। ये अभी उन्होंने मेरे को क्या बोले, आज भी मैं गया था, इन्होंने आज मेरे को फिर कल बुलाया, बोले कल मैं अभी मीटर है नहीं, कल मैं आपको मीटर देता हूँ। नहीं, हमारी गलती तो है नहीं, कल मीटर देने की बात की। हाँ, कल मीटर देने। लेकिन आप कितना पैसा अभी तक जो है MSB में भर चुके हैं? 30,250 रुपया। और कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे? अभी कल कुछ देखो बताएंगे कुछ और। जो यहाँ से पैसे लेने की बात सामने आ रही थी कि जो 500 रुपया लिया जा रहा है यहाँ से, तो वो पैसे कौन ले रहा था आखिर? कमेटी 500 रुपया ले रही है। जो हमारी जो कमेटी आपकी ले रही है 500 रुपये, वो किस आधार पर ले रही है? अरे यूनियन के उसमें मीटर के आधार पे दे रही है, और कौन सा आधार पे? मीटर तो अभी लगा नहीं है। तो मीटर लगा नहीं है, मीटर आएगा ना अभी। आखिर ये जो पैसे जमा होंगे इनसे जमा करके ही हम तो वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना पैसे। अभी ये केबल लाए हमने, ये वायरमैन है यहाँ पे, उसका सब पैसे कहाँ से देंगे? इनसे लेके ही देंगे ना हम। कम से कम 50 बंडल केबल गया होगा, ठीक है, इनके ऊपर सबको कनेक्शन देने के लिए 50 बंडल वायर गया है। 50 बंडल वायर का पैसा कितना होता है आप जोड़ लीजिए। ये देखिए, हर मेंबर से हम 500 रुपया लिए हैं, और भी इसी महीने से लेना शुरू किए, ये पहला महीना है। ये 500 रुपया बिजली का लिया? हाँ, ये लिया नहीं करते, अब भी लिए हैं। अच्छा, इस महीने से पहला महीना ये MSB में जमा करना है। ये भी MSB में पैसा जमा। आपने 500 रुपये लिए हैं तो ये पैसे आप क्या करेंगे, किस कहाँ जमा करेंगे? MSB में भी लगेगा, उनको हमको भरना है, मीटर के जो चार्ज है वो ऑलरेडी देना है, फिर बिल आएगा, बिल के हमको एडवांस में हमारे पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिलहाल वहीं RTI कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ और राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर मोहम्मद इरशाद, दोनों की बातों में अलग अलग तरह के बात सामने आ रहे हैं। एक आरोप लगा रहा है तो दूसरा आरोपों को खारिज कर रहा है। अब वहीं राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर का कहना है कि हमने मीटर के लिए अप्लाई की थी, इसके लिए वो जो है कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है यहाँ के हुंडेकरी उनसे मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के बाद जो फिर दोबारा अपनी बात उनके सामने रखेंगे। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।